What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 3rd जनवरी 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:11 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। आने वाले वीक में कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद निफ्टी का इंट्राडे के लिए आज के क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी लास्ट वीक से एक 200 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा है। अप एंड डाउन्स काफ़ी है, जैसे कि हमने टेलीग्राम हमारे चैनल के ऊपर मैसेज डाला था, निफ्टी लास्ट वीक से एक 200 पॉइंट के रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर अभी एक पैटर्न बना हुआ है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग बना हुआ है, तो देखते हैं कहाँ पर ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल हो सकते हैं। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 2nd जनवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही हमारा ब्रेकआउट लेवल 12,222 ये ब्रेक हुआ, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 12,235 ये अचीव्ड हुआ। और ऑलमोस्ट इसी जगह पे कुछ टाइम इसने पॉज लिया और एक ये लेवल को भी ब्रेक करता है, तो हमारा सेकंड लेवल जो 12,246 हमारा सेकंड टारगेट था ये भी अचीव्ड हुआ। और उसके बाद और भी तेजी निफ्टी इंडेक्स में ज़बरदस्त देखने को मिली। एक्सपायरी का दिन था कल का, तो इस प्लान के अकॉर्डिंग हमारा अगर ट्रेड करने का मौका मिलता तो 18 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के भी हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक हरे निशान में बंद हुए। कल जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी यूएस मार्केट में। एक जो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड डील चल रहा है उसका डेट अनाउंस हो गया, 15 जनवरी को लगभग कुछ वो ट्रेड डील साइन होने वाला है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो कल सभी हरे निशान में तेजी के साथ बंद हुए। और एशियाई मार्केट जब आज खुले तो SGX निफ्टी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। जापान मार्केट आज भी बंद है, वहाँ पर हॉलीडे है। हांगकॉन्ग मार्केट और चाइना मार्केट देखे तो हल्के सी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट से तो पॉजिटिव संकेत आ रहे, लेकिन एशियाई बाजार थोड़े से आज निगेटिवनेस के साथ यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे। डाउ फ्यूचर को अभी देखें तो 147 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा पैनिक मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस हम शुरू करेंगे। यह बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया है। तो अभी ये जो 23.6% का लेवल है 32,079 के पास, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, जहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। लास्ट टाइम भी इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर ऊपर यहाँ पर बढ़ता है तो ये तो अनचार्टेड टेरिटरी होगा। ऊपर फ्रीडम है, ऊपर जाते वक्त इसे रेजिस्टेंस के लेवल जो कि हमने फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ करके यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, तो 32,750 का फर्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, जो कि 38.2% का लेवल है, और उसके बाद 33,290 का होगा। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट हम देख रहे हैं। और अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो पहले तो 30,079 का ये सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर इसने पास्ट में डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था, और अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक स्विंग, छोटा सा स्विंग लो बना के फिर से बाउंस बैक दिखाया, तो 32,079 के बाद 31,400 के पास एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है फिर 20 EMA का ये 30,700 के पास नेक्स्ट सपोर्ट होगा। फिलहाल तो ज़बरदस्त यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश बना हुआ है, क्योंकि स्मॉल ट्रेंड लाइन और मिड टर्म ट्रेंड लाइन और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, इन तीनों के ऊपर बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो ये मेजर सपोर्ट लेवल्स होंगे, लेकिन ऊपर अगर ये निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है तो आने वाले लेवल्स के यहाँ पर ये जो
फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है। टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इन लेवल के पास आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है बैंक निफ्टी का। डेली चार्ट पर चलते हैं। ये है डेली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। डेली चार्ट में जो ये लास्ट स्विंग हाई लो बनाता है, इसको पकड़ के अगर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ये ट्रेडिंग जोन है, ये जो यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग बना है, इसके बीच में ही ये लास्ट वीक से ये बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। काफ़ी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंटिन्यूसली 32,120 के पास एक सपोर्ट है, जहाँ पर हमने वीकली चार्ट में देखा था वो 32,080 के पास आ रहा था। तो ये जोन बना हुआ है यहाँ पर एक 40 पॉइंट्स का, ये जो सपोर्ट जोन है इसको अगर ब्रेक करता है तो ही निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स यहाँ से हमें टूवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखा सकता है। हालांकि डेली चार्ट में भी स्ट्रक्चर जो है काफ़ी बुलिश बना हुआ है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर इस वीक ये लास्ट डे है, तो यहाँ पर इसके ऊपर अगर ये क्लोज होता है ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो चांसेस होंगे 32,800 का लेवल हमें बैंक निफ्टी में अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि RSI को देखें तो अभी यहाँ पर ये कंटिन्यूस लोअर हाइज बना रहा है, और ऊपर प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पर हायर हाइज बन रहे थे, और उसके बाद ये फ्लैट यहाँ पर चल रहा है प्राइस एक्शन में। तो यहाँ पर अभी RSI में तो अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए बुल्स का कि यहाँ से बुल्स की स्ट्रेंथ आ सकती है, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉटम बनाने का जो पैटर्न यहाँ पर कोशिश हो रही है, इसका नेक लाइन का अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है और RSI इसके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन में भी हमें ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर एज पर डेली और वीकली चार्ट काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है, बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, और रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें लास्ट वीक से देखने को मिल रही है। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप अपना पोजिशन आने वाले वीक में यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, चलते हैं वीकली चार्ट में। उससे पहले जो ट्रेडिंग फैब की एक ऑफर है उसके बारे में मैं बता दूं। ट्रेडिंग फैब ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ZERODHA है, अपस्टॉक्स है, 5paisa, एंजल ब्रोकिंग। आप इनमें से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर हमारे पार्टनर रेफरल ID के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो ट्रेडिंग इन प्रीमियम मेंबरशिप प्लान है वो आपको फ्री में यहाँ पर मिल सकता है। तो उसके लिए आपको इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट आपको ओपन करना है। जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो डिटेल्स आपको पूछे जाएंगे वो आपको फिलअप करना है। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है, ऑनलाइन प्रोसीजर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट ID है हमें कॉल करके हमें इस नंबर पे आपको कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये था हमारा मेगा ऑफर का एक छोटा सा क्विकली इंटरव्यू। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। अभी देख सकते हैं ये 12,240 के पास ये फिर से एक बार आ गया इसके ऊपर। आज भी अगर ये इसके ऊपर अगर क्लोज देता है, तो हमें चांसेस होंगे कि निफ्टी इंडेक्स में हम 12,350 का लेवल्स आने वाले दिनों में देख सकते हैं। नीचे 12,080 के पास स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ है, ये अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो ही निफ्टी इंडेक्स में हमें और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूवमेंट दिखाई दे सकती है। यह वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट पे जैसे कि हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कहा था, ये जो एरिया है ये लगभग अभी यहाँ पर ये ट्रेडिंग रेंज एक बन रहा है 200 पॉइंट का, इसके बीच में ये ट्रेड कर रहा है। अभी अगर ऑल टाइम हाई को अगर ये ब्रेक करता है, 12,293 के पास इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, तो अगर ये ब्रेक करता है इसके ऊपर आज सस्टेन करता है, तो 12,350 के लेवल्स हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। नीचे RSI को देखें तो यहाँ पर ये डबल बॉटम अभी बना रहा है, राइजिंग बॉटम नहीं कहेंगे, डबल बॉटम कह सकते हैं इसे। और अगर अभी ये नेक लाइन को अगर ये ब्रेक करता है, तो ऊपर निफ्टी इंडेक्स में हमें और भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर मैं प्राइस एक्शन को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, तो ऊपर हमें देखने को मिल सकता है कि राइजिंग बॉटम्स यहाँ पर बन रहे, ये राइजिंग बॉटम्स यहाँ पर बन रहे,
और इसका नेक लाइन भी अभी यहाँ पर इस समय आएगा। तो अगर ये नेक लाइन के ऊपर यानी ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें 12,350 के ही लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो निफ्टी का। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। उससे पहले ये 2 आवरली चार्ट देख लेते। यहाँ पर कम्प्लीटली हमें एक अगली डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ये फर्स्ट बॉटम और ये दूसरा सेकेंड बॉटम राइजिंग बॉटम। तो अभी इसका नेक लाइन और ऑल टाइम निफ्टी हाई का लेवल ऑलमोस्ट एक ही लेवल के पास आ रहा है। तो अगर ये ऑल टाइम हाई लेवल को अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है, क्योंकि ये थर्ड अटेम्प्ट होगा ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक करने का, अगर ये ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स में और भी तेजी हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो राइजिंग बॉटम का पैटर्न है ये अप ट्रेंड में आया है। यहाँ से ये अप ट्रेंड आने के बाद जब फिर से वोलेटाइल हो रहा है निफ्टी इंडेक्स, तो यहाँ पे ये पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो इसका प्रोबेबिलिटी, इसका स्ट्रांगनेस जो है वो काफ़ी यहाँ पर एक 60 to 40% होगा। अगर ये ऐसे डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये डबल बॉटम या फिर राइजिंग बॉटम बनाता है तो इसका जो इफेक्टिवनेस है ये काफ़ी स्ट्रांग होगा कंपेयर टू अप ट्रेंड में आने के बाद। तो ये अप ट्रेंड में आया है, अगर नेक लाइन को ब्रेक करता है तो और भी निफ्टी इंडेक्स में यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। चलते 60 मिनट के चार्ट में आज के लिए क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ऑल टाइम हाई लेवल यानी 12,294 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। इसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रेकआउट लेवल होगा ये हमारा। तो इसे अगर ये ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,316 जो कि R1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, और सेकेंड टारगेट होगा 12,330 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो इस पिवट पॉइंट को, ये जो पिवट पॉइंट है इसको कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए। ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है आज के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल, इसे हम ब्रेकडाउन लेवल मार्क कर देते हैं। ये होगा हमारा ब्रेकडाउन लेवल। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक छोटा सा क्विकली हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 12,235, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये पिंक लाइन जो कि 20 EMA का मूविंग एवरेज का ये लाइन है, 12,226 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।